नमस्कार। टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ पुलिस ने एसपी के नेतृत्व में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया। इस मौके पर एसपी सुधीर कुमार सिंह ने पुलिस लाइन में सभी पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाया। पुलिसकर्मियों ने शपथ ली कि अगर कोई भी व्यक्ति समाज में भय और आतंक पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसको इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा सभी थानों पर भी थानेदारों ने पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई। आपको बता दें कि 21 मई 1991 को आतंकवादियों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की निर्मम हत्या कर दी थी। तभी से 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन सभी जवान शपथ लेते हैं कि वह आतंकवाद का डटकर सामना करेंगे। अगर कोई व्यक्ति या संगठन समाज में भय या आतंक पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसे समय मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सुधीर कुमार सिंह द्वारा पुलिस ऑफिस में मौजूद अधिकारी कर्मचारियों को आतंकवाद के खिलाफ शपथ दिलाई गई। साथ ही साथ बता दें कि जनपद के सभी थानों चौकी शाखा प्रभारियों द्वारा भी पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई गई। भारतवासी अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की भी शपथ लेते हैं।